भारत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ केवल 7 ओवर में जीत लिया पहला T20 मुकाबला और ऑस्ट्रेलिया के घर में जाकर के ऑस्ट्रेलिया को नानी याद दिला दी। दोस्तों अभी देखना चाहते हो आखिरकार भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया को कैसे राउंड डाला। इस वीडियो को एक लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और नोटिफिकेशन पे क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों इंडिया ऑस्ट्रेलिया टीम के बीच में 3 मैचों की T20 सीरीज का आगाज हुआ, जिसका पहला T20 मुकाबला खेला गया सिडनी क्रिकेट मैदान पे, जिसमें टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए बड़ा स्कोर बनाया 201 रन का 7 विकेट के नुकसान पर, जिसमें सुमन गिल ने ओपनिंग करते हुए मात्र 10 रन का योगदान दिया और वहीं यशस्वी जायसवाल ने ऑस्ट्रेलिया की धरती पे ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर डाली, 67 रन की विस्फोटक पारी खेल डाली। जैसे ही जायसवाल आउट हुए, सूर्या का साथ देने के लिए मैदान पे आए तिलक वर्मा। दोस्तों तिलक वर्मा ने 45 रन की ताबड़तोड़ पारी खेल डाली और सूर्या ने 55 रन की नाबाद पारी खेली, जब जाके इंडिया की टीम ने बनाए 201 रन। दोस्तों 201 रन के लक्ष्य का पीछा करने के लिए ओपनिंग करने के लिए ऑस्ट्रेलिया टीम की ओर से मैथ्यू बैड और डेविड वार्नर। दोस्तों मैथ्यू बैड को पहली गेंद पे सिराज ने चलता कर दिया और डेविड वार्नर को कुलदीप यादव ने 7 रन के स्कोर पे आउट किया, जबकि मिचेल मार्श 11 रन पे आउट हुए। मैक्स बेल 6 रन का योगदान दे पाए, 4 ओवर में 6 विकेट गिर गए ऑस्ट्रेलिया के। और दोस्तों हालत इतनी खराब हो गई कि 7.5 ओवर में ऑस्ट्रेलिया की टीम 45 रन के स्कोर पर ही ऑल आउट हो गई, जिसमें कुलदीप यादव ने सबसे ज्यादा 5 विकेट चटकाए, मोहम्मद सिराज ने 2 विकेट चटकाए, यूजी चहल ने 2 विकेट चटकाए और इस तरीके से ऑस्ट्रेलिया में जाकर के ऑस्ट्रेलिया को राउंड डाला भारतीय टीम ने।